देखो, तुमको आज होमवर्क में मिला है कि तुमको HCF निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 18 और 16। तो अब 18 जो है वो किस किस चीज़ों के टेबल में आता है? 1, 2, 3, 6, 9 और 18 के टेबल में आता है। उसी तरह 60 के फैक्टर्स लिख लिए। 61 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या कॉमन ले सकते हैं? 6, तो वो हो गया HCF। ये हुआ मेथड वन, तरीका नंबर एक। तरीका नंबर दो है कि 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 18 को 2 से डिवाइड किए 9, 9 को 3 से डिवाइड किए 3, 18 को लिखे 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18। फिर 60 का उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 2 से 60 को डिवाइड किए 30, 2 से 30 को डिवाइड किए 15, फिर 3 से 15 को डिवाइड किए 5। वो लिख दिए यहाँ, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 16। और फिर जो कॉमन है वो ले लिए। ये देखो, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, ले लिए। फिर ये 3 इसमें भी है, ले लिए, 2 3 6। देखो, इस मेथड से भी आंसर 6 आ रहा है, इस मेथड से भी आंसर 6 आ रहा है। तो ये हुआ मेथड 2। और ये है डिवीजन मेथड। 18 से 60 को डिवाइड किया, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड किया, 18 का टेबल 3 टाइम्स में किया तो 54, माइनस करके क्या आया 6। अब जो बचा रिमाइंडर उससे इसको डिवाइड किए, 6 से 18 को डिवाइड किए 3। तो यहाँ पर भी HCF क्या आ गया? तुम्हारा HCF आ गया 3। HCF क्या आ गया? HCF आ गया तुम्हारा, जिससे डिवाइड होकर के ख़त्म हुआ, तो HCF हो गया 6। तो ये 3 मेथड है, तुमको जो मेथड लगे अच्छा कर लेना। वैसे ये वाला मेथड जो है वो तुम्हारे स्कूल में चल रहा है। तो ये वाला जो पहला क्वेश्चन है वो तो मैंने तुम्हें सारे मेथड से एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला जो है उसमें मैं सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ। ओके।